हम बात करेंगे विल के बारे में। जो विल होती है उसको वसीयतनामा भी कहते हैं, यानी कि विल जो होती है वो दिल से बनाई जाती है। आदमी पूरी होशो हवास में, अब किसी के इन्फ्लुएंस या किसी के प्रेशर में आके नहीं, बल्कि खुद अपने दिल से किसी के नाम कोई भी किसी भी कागज पे, नॉर्मल पेपर ले सकते हो, उसमें आपने पूरी अपनी विल लिखी एंड दो विटनेस के सामने आपने उसको साइन करवाया। विल में सबसे मुख्य पॉइंट्स क्या होते हैं? विल में एक होता है टेस्टेटर, जो कि विल बना रहा है, दो विटनेस जो कि उसके सामने होते हैं, बेनिफिशियरी जिसके लिए बना रहा है, और एग्जीक्यूटर जो कि उसके मरने के बाद एग्जीक्यूट करेगा। विल रजिस्टर्ड कराना ना कराना ये टोटली ऑप्शनल है। यदि विल को रजिस्टर कराते हैं तो उसके लिए नॉर्मल, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी एज एन एडवोकेट कि आप एडवोकेट की कंसल्टेंसी ले ले, विल रजिस्टर करा ले। इसके लिए कुछ नहीं है, सिर्फ सब रजिस्ट्रार के पास जाना है, एक अपॉइंटमेंट फिक्स कर लीजिए, उसको जो भी उसकी फीस है वो पे करनी है। विद इन अ वीक आपकी विल जो है वो रजिस्टर होके आ जाएगी। विल होती है वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे ना बन के, जो भी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती है या फिर एंसेस्ट्रल से आपके शेयर में जो भी प्रॉपर्टी आई उसी की ही आप विल बना सकते हो, ये नहीं कि आपने एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की विल बना दी है। दूसरी चीज, आपकी विल कब रिवोक हो जाएगी? यदि आपने एक विल बना दी उसके बाद आपने दोबारा 6 साल बाद या फिर कभी भी आपने एक विल बना दी, तो जो लेटर ऑन आपने बनाई है वो ही मान्यता रखेगी। और दूसरी चीज, अगर मान लो दो विटनेस रिक्वायर्ड है और उसमें से एक ही विटनेस प्रेजेंट है तो भी आपकी रिवोक हो जाएगी। तो लीगल पॉइंट्स होने जरूरी है, ये सब चीजें जरूरी है।